बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप सब खुश रहें। प्यारे नाज़रीन, क्या फरमाते हैं उलेमाए कराम इस मसले के बारे में कि जब अज़ान का वक़्त हो गया हो तो क्या इस वक्त हम बैतुल खुला में जा सकते हैं या नहीं, या सिर्फ़ मगरिब की अज़ान के वक़्त ही नहीं जा सकते या जा सकते हैं? क्या अज़ान के वक़्त बैतुल खला में जाना मकरूह है? इस बारे में उलमाए कराम फरमाते हैं कि अज़ान के वक़्त इस्तंजा के लिए जा सकते हैं, बिलखसूस के तकाज़ा शदीद हो। अलबत्ता बेहतर ये है कि अज़ान के वक़्त ना जाएं और ख़ामोश होकर अज़ान सुने और इसका जवाब दें, क्योंकि अज़ान दर हकीकत निदाए इलाही है। इसका अदब व एहतराम ये है कि आदमी जिस काम में मशगूल है या जिस काम को करना चाहता है इसको मौकूफ़ कर दे और अज़ान सुनकर जवाब दे। मगरिब की अज़ान के बाद जमात खड़ी होने में वक्फ़ा चूँकि बहुत कम रहता है, इसलिए मगरिब से पहले ही वॉशरूम से फारग हो जाना चाहिए ताकि जमात फोत ना हो। लेकिन अगर किसी को ऐन इसी वक्त इस्तिंजा करने की ज़रूरत शदीद हो तो वो जा सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि तमाम देखने और सुनने वालों को पसंद आई होगी। आखिर में मैं अपने तमाम बहन और भाइयों से यह गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारी आज की इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम नई वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।